आज मैं आपको अपने टेरेस गार्डन को दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से पौधे अपने टेरेस गार्डन में लगा रखे हैं और मैंने उन्हें किस प्रकार से लगाया है, और गर्मियों वाली सब्जी मैंने अभी कौन कौन सी लगा दी है। तो मेरा नाम है उर्मिला और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। यहाँ पर ये बैंगन का पौधा लगाया है जिसे मैंने एक सीमेंट की बोरी की मदद से ग्रो बैग बनाकर इसी में ये बैंगन का पौधा लगाया है, और साथ में मैंने ये सुंदर सा गेंदा भी लगाया है जिसे मैंने जो भगवान के लिए फूल आते हैं उन्हीं के बीज से लगाया है, और देख कितना सुंदर गेंदा का फूल इसमें खिला है। और मैं एक ग्रो बैग में दो तीन तरी सब्जियां एक साथ लगाती हूँ जिससे कि हमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए इस ग्रो बैग में मैंने पालक भी लगा दी है और प्याज भी लगा दिया है। अगर आप पालक लगाना चाहते हैं तो अपने सभी ग्रो बैग में आप एक एक बीज डाल लेंगे तो आसानी से पालक उगाएगी और आपको इसे अलग से लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पर भी मैंने धनिया लगाया है और इसी में ये दो शिमला मिर्च के पौधे लगाए हैं, और यहाँ पर मैंने ये पत्ता गोभी लगाई है। मैंने कोशिश की है हर ग्रो बैग में दो पौधे लगाने की, और मैं जब ग्रो बैग को भरती हूँ तब भी मुझे ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। ग्रो बैग भरने के लिए मैं आधा ग्रो बैग किचन से निकलने वाले कचरे जैसे फल सब्जियों के छिलके और जो हमारे टेरेस गार्डन में से पौधे वगैरह सूख जाते हैं पत्तियाँ, इन सब से ग्रो बैग को आधा भरकर ऊपर से अच्छी मिट्टी बनाकर मैं उसमें पौधे लगाती हूँ। मिट्टी बनाने के लिए मैं एक टब मिट्टी में एक टब गोबर की खाद और उसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते और चाय की सूखी हुई पत्ती को मिलाकर मिट्टी बनाती हूँ। अगर हम मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो उसमें हम जो भी पौधा लगाएंगे वो अच्छे से ग्रो होगा, इसलिए मैं इस प्रकार से फ्री में जो हमारे घर पर चीज़ें उपलब्ध हो जाती है उसी से मैं मिट्टी को अच्छी बना लेती हूँ। और देखिए कितने अच्छे पौधे और सब्जियां टेरेस गार्डन में लग रही है। इस प्रकार हमारा किचन वेस्ट का खाद भी नीचे बन जाता है, और जब हम उस ग्रो बैग को पलटते हैं तो वो पूरी मिट्टी में मिल जाता है, तो इससे हमारी मिट्टी और भी अच्छी हो जाती है। मैंने मेरे इस गार्डन को बनाने में कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है। देखिए यहाँ पर ये टमाटर लगा हुआ है और टमाटर में कितने ज़्यादा फूल आ रहे हैं, और ये बीज भी मैंने घर पर जो टमाटर होते हैं उन्हीं से निकाल कर लगाए हैं, और इनमें अच्छे टमाटर भी लगते हैं। और फूल गोभी भी लगाई है, और फूल गोभी में भी अब एक फूल गोभी बनने भी लग गई है। और यहाँ पर भी इस सीमेंट की बोरी से मैंने बड़ा ग्रो बैग बनाकर इसमें लौकी लगाई है। अभी इसमें दो लौकी लगी थी उन्हें मैंने तोड़ लिया है, और एक छोटी सी लौकी अभी इसमें लगी हुई है। और भी यहाँ पर भी मैंने टमाटर लगाए हैं, उसी के साथ गोल लौकी भी लगी हुई है, दो पौधे गोल लौकी के हैं। और यहाँ पर ये बटली लगी हुई है और बटली में अब बटली भी लगने लगी है। यहाँ पर भी सीमेंट की बोरी में मैंने बैंगन लगाए हैं, ये बैंगन बरसात वाले हैं तो मैंने इनकी कटिंग कर दी थी, तो ये अब अच्छे से इसमें पत्तियाँ आ गई हैं और अब इसमें बैंगन लगेंगे। यहाँ पर भी मैंने ये लौकी का पौधा लगाया है, यहाँ पर हमारा कड़ी पत्ता लगा हुआ है, और एक गोभी का पौधा लगाया है मैंने। कोशिश करती हूँ हर ग्रो बैग में एक गेंदा का पौधा लगाने की। गेंदा का पौधा लगाने से हमारे टेरेस गार्डन कीड़े या कोई भी दूसरी बीमारी का अटैक नहीं होता है, और जड़ों में होने वाली बीमारी भी गेंदा के पौधे से नहीं होती है, तो इसलिए मैं हर ग्रो बैग में एक गेंदा का पौधा ज़रूर लगाती हूँ। और यहाँ पर देखिए एक छोटे से वेस्ट मटेरियल में मैंने ये टमाटर का पौधा लगाया था जिसमें आप टमाटर भी बनने लगे हैं, और इतने छोटे से पॉट में कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं। तो मैं ख़राब पड़ी हुई बोरी का इस्तेमाल इस तरह पौधे लगाने में करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पशु आहार जो पशुओं को खिलाते हैं खल, उसका ग्रो बैग बनाकर उसमें ढेर सारे गोभी के पौधे लगा दिए हैं। ये देखिए ये मिर्च का पौधा एक ही पौधा है जिसे मैं ऊपर से कट करती गई और ये कितना घना हो गया है, इससे अब एक ही पौधे में हमारे ढेर सारी मिर्च लगेगी। अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो ये ऊपर ही ऊपर बढ़ेगा और इसमें एक दो मिर्च लगकर फिर हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह पिंच कर कर के पौधे को घना बनाकर उनसे ढेर सारी मिर्च ले सकते हैं।
और यहाँ पर भी एक सीमेंट की बोरी में मैंने ये फूल गोभी लगाई थी। तो देखिए फूल गोभी की साइज कितनी अच्छी हो गई है, जैसा कि खेत में लगाते हैं उस प्रकार की गोभी हमें यहाँ पर मिली है। और इस ग्रो बैग में मैंने दो पौधे जुकनी के लगाए हैं, तो देखिए कितनी सारी जुकनी इसमें लगी हुई है, और बहुत सारी जुकनी मैंने कल तोड़ ली है यहाँ से। तो टोटल मिलाकर चार पौधे मैंने अपने टेरेस गार्डन में जुकनी के लगाए हैं, और ढेर सारी जुकनी इनमें लगी हुई है। ब्रोकली को भी मैंने अपनी छत पर लगाया है, देखिए अब ब्रोकली भी बनने लगी है, हरे कलर की होती है ये, हरी गोभी जैसी लगती है। और इसी में मैंने दो पत्ता गोभी भी लगा दिए, और ये ग्रो बैग भी मैंने ख़राब बोरी से बनाई है। और यहाँ पर मैंने धनिया लगा दिया है, जिससे कि हमें गर्मी में भी अब यहाँ से धनिया मिलेगा। और मेथी को भी मैंने अभी लगा दिया है, और यहाँ पर मैंने मटर लगाई थी, तो मटर के कुछ ही पौधे उगे हैं। और ये वाला ग्रो बैग मैंने DAP की बोरी से बनाया है। और इस टायर को भी मैंने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है, इसमें मैंने पालक को लगाया है, और पालक देखिए कितनी अच्छे से उग रही है। और मैं इस तरह के डिस्पोजल गिलास में बीज को लगा देती हूँ, तो वे आसानी से इस तरह से उगाते हैं। ये सभी बीज मैं गर्मी में लगाने के लिए लगाए हैं। और ये मिर्च के बीज भी मैं घर में जो मिर्च होती है उसी से पौधे बना लेती हूँ। घर में बीज भी मैं घर में जो सब्जियाँ होती हैं उन्हीं के बीज लगाकर पौधे बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये बैंगन है, जिसे मैंने बरसात में लगाया था, उसमें अब भी इस तरह से अच्छे बैंगन लग रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता लगाया है, और उसी में टमाटर और बहुत से पौधे अपने आप ही उगाए हैं। और देखिए टमाटर कितने अच्छे हो रहे हैं, इनमें मैं कोई भी केमिकल का यूज नहीं करती, घर पर ही मैं खाद बनाकर इनमें समय समय पर स्प्रे करती हूँ। ये बरसात के बैंगन के पौधे हैं, जिनकी मैंने अभी कटिंग करती थी सर्दियों के शुरुआत में। अब थोड़ी धूप निकलने लगी है, तो ये पौधों में नई ग्रोथ फिर से शुरू हो गई है, और इनमें बैंगन भी लग रहे हैं। और ये बाजार का झोला है, जिसका इस्तेमाल भी मैंने पौधे लगाने में किया है, इसमें मैंने एक टमाटर का पौधा लगा दिया है। यहाँ पर ये बरसात में लगाए हुए जो टमाटर हैं वो लगे हुए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टमाटर लगे हैं, और अभी तो ये ख़राब हो चला है, इसलिए मैंने इसी में ढेर सारे टमाटर के और नए पौधे लगा दिए हैं, जिससे कि हमें हमारे टेरेस गार्डन में टमाटर ख़त्म नहीं होते और हमें लगातार टमाटर मिलते रहते हैं। और यहाँ पर भी ये 2-3 साल पुराना बैंगन का पौधा है, जिसे मैंने अभी कुछ दिन पहले इस नए ग्रो बैग में बनाकर लगाया है। और यहाँ पर भी ये मिर्च लगी हुई है, ये भी बरसात की मिर्च है, जिनकी मैंने कटिंग कर दी है। और देखिए ये गेंदा का पौधा, एक ही पौधा है, और उसमें देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं। इस बोरी के ग्रो बैग में मैंने मिर्च लगाई है, धनिया लगाया है, साथ में एक बैंगन का पौधा भी लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने गर्मियों के लिए ढेर सारे मिर्च के पौधे लगा दिए हैं। ये मिर्च के पौधे जो हमारे बाजार से मिर्च आती है, उन्हीं मिर्च के बीज को मैंने निकाल कर एक जगह लगा दिया था, तो वे अच्छे से उगाएं, और मैंने यहाँ पर उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ पर कुछ गोभी के पौधे लगे हुए हैं, ये इस क्यारी को मैंने ईंट से बनाया है। ईंट जमाने के बाद मैंने ऊपर से उस पर एक पॉलीथीन बिछा दी है, जिससे कि हमारा छत खराब ना हो। और नीचे इसमें मैंने जो भी गार्डन में से सूखे हुए पत्ते वगैरह निकलते हैं उसे भर दिया, और ऊपर से अच्छी मिट्टी बनाकर इस पर भर दी, और बाद में इसमें पौधे लगा दिए। तो इससे हमारा नीचे खाद भी बनेगा और ऊपर हमारा पौधा भी अच्छे से लगेगा। और यहाँ पर भी मैंने सीमेंट से एक ग्रो बैग बनाकर करेला लगाया है, तो करेला में अभी करेला आने लग गए हैं। और इसे फैलाने के लिए ये जाल भी मैंने रस्सी से बनाया है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे गेंदा के पौधे लगाए हैं, जो कि हमारे घर पॉलीथीन पड़ी रहती है ख़राब चावल की, उनमें लगाया है। तो आगे मैंने अपने टेरेस गार्डन में फूलों वाले पौधे लगाए हैं, जिसमें गुड़हल है, नाग चंपा, गेंदा, स्थल कमल, इस तरह से ढेर सारे फूल वाले पौधे भी मैंने अपने टेरेस गार्डन में लगाए हैं। उम्मीद है आपको मेरा टेरेस गार्डन पसंद आया होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।